25 फीट का बहुत ही शानदार सा हाउस प्लान, जो कि इतने छोटे से हाउस प्लान में आपको 3 बेडरूम, टॉयलेट, ओपन किचन और स्टेयर केस का सेटअप देखने को मिल जाता है। दोस्तों ये हाउस प्लान बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए वन बाई वन करके सारा डिटेल हम आपको समझा देते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं कॉलम है आपका जो 10 फीट हाइट का रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने बहुत ही शानदार सा कॉलम का भी डिजाइन कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरा कॉलम खड़ा कर दिया। आप इसको चाहें तो 1 फ्लोर 2 फ्लोर तक भी बना सकते हैं इसी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, देख सकते हैं पूरा कॉलम हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी हम आउटर का वॉल क्रिएट कर देंगे, उसके बाद से वन बाय वन करके सारा जानकारियाँ आपको देंगे, जैसे कि डायमेंशन डिटेल सारे रूम का। उसके बाद से हम आपको प्रोवाइड कर देंगे कि इस घर को बनाने में कितने खर्च लगने वाले हैं और भी सारा कुछ आपको जानकारियाँ मैं इस हाउस प्लान से रिलेटेड देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भी इसी तरीके का कुछ घर बनना है तो आप अपने घर के प्लॉट का साइज हमें पेमेंट करिए, हम जल्दी से जल्दी आपके लिए बना के रेडी कर देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों हम एक लाइन मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मैं लाइन मार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल, ठीक है। प्लिंथ लेवल दोस्तों हर हर घर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहीं से आपका घर कितना हाइट पर बना हुआ है, ठीक है, आपका ग्राउंड फ्लोर कितना लेवल पे है वो बताता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लाइन मार्क करके यहाँ से नीचे आपका ज़मीन है, ये आपका घर के सामने का रोड का लेवल है और इतने हाइट पे आपका घर रहेगा, जिससे क्या होगा आपके घर में किसी भी प्रकार का कभी भी वाटर लॉकिंग की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं अंदर की जो भी पार्टीशन वॉल है उसको भी हम फटाफट क्रिएट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी ये इतना होने के बाद अब डोर बना देते हैं। ये पीछे में 2 बेडरूम है तो उसके लिए हमने यहाँ पर डोर बना दिया कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये दोनों डोर बन गया है 2 बेडरूम के लिए। ये आपका टॉयलेट है तो टॉयलेट के लिए भी हम यहाँ पे एक यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टॉयलेट के लिए भी एक डोर दे दिया जहाँ पे आपका टॉयलेट का पूरा सेटअप रहेगा। ये आपका बेडरूम है एक बाहर का, आप इसको गेस्ट रूम के पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक डोर दे दिया जो कि ये आपका जो बेडरूम है इसके अंदर से भी एक दरवाज़ा है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक डोर प्रोवाइड कर दिया। आप चाहें तो ये हाउस प्लान में एक ही डोर दे सकते हैं, ठीक है। ये आपका किचन, ठीक है, ये ओपन किचन है, ठीक है। अभी चलिए मैं इसमें आपको जो स्टेयर केस का सेटअप भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से आप एंट्री करेंगे, अपने छत पर चले जाएंगे इधर से। अभी हम डायमेंशन डिटेल सारे का दिखा देते हैं। डायमेंशन डिटेल की बात करें तो देख सकते हैं 9.5 फीट बाई 10 फीट का ये बेडरूम है, दोनों बेडरूम सेम साइज़ का है और यहाँ पे आपको 4 फीट 10 इंच बाई 4 फीट का ये आपको टॉयलेट मिलता है, बाकी एरिया आपका ओपन है, ठीक है। ये स्टेयर किस यहाँ से स्टार्ट होगा, इसके नीचे का भी एरिया ओपन रहेगा और ये देख सकते हैं 8 फीट 8 इंच बाई 9 फीट 8 इंच का ये आपको बाहर में बेडरूम का सेटअप देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको यहाँ फ्रंट में सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में एक आपको विंडो का भी सेटअप देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर विंडो का सेटअप भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हाउस प्लान। दोस्तों इस हाउस प्लान को बनाने में दोस्तों 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आने वाला है, A to Z आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हाउस प्लान आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरीके का हाउस